संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य दे रही होंगी वीडियो। समास चल रहे हैं और समास में आज हम सप्तमी तत्पुरुष समास देखेंगे, अंतिम है। उसके बाद में हम समास के जो अन्य भाग हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे, जैसे नए तत्पुरुष है, गति तत्पुरुष है, उपपद तत्पुरुष है। ये जो समास थे ये आपको लाभ तो देंगे ही, लेकिन इनमें थोड़ा सा जानकारी पहले से ही रहती है, लेकिन वहाँ समस्या होती है ज़्यादातर जो अन्य तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, तो उसे जानने का प्रयास करेंगे, विस्तृत में ही जानेंगे। षष्ठी तत्पुरुष समास मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि इनको छोड़ करके जो कुछ बचेगा वो षष्ठी के अंतर्गत ही बचता है। तो षष्ठी तत्पुरुष में षष्ठी एक सूत्र है और एक दो और सूत्र हैं, कुछ नहीं है, आप उनको वैसे भी देख सकते हैं। तो सप्तमी तत्पुरुष समास में थोड़े से ज़्यादा सूत्र हैं और उनमें से बताने का प्रयास करूँगा और एक सिद्धि भी बताने का प्रयास करूँगा। शब्द की सिद्धि जैसे हम देखते ही हैं, सीधे चलते हैं हम सप्तमी तत्पुरुष समास, ठीक है। सप्तमी तत्पुरुष समास, ठीक है। इसमें एक सूत्र है, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। सप्तमी षोंडई, ये सप्तमी षोंडई जो सूत्र है ये विस्तृत है। षोंड शब्द जो दिया गया है वो एक वास्तव में गण है, मैं गण के बारे में चर्चा कर चुका हूं। उसमें कम से कम 15 से 20 शब्द आते हैं, उन सभी के साथ में सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। कुछ मैं उदाहरण बताऊंगा और बाद बाकी आपको फिर पुस्तक से देखने पड़ेंगे, बहुत सारे उदाहरण हो जाते हैं तो नहीं दे पाते उसमें। तो सप्तमी षोंडई शब्द कहता है कि सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी सुबंत शब्द, सप्तमी सुबंत शब्द यदि षोंड आदि शब्दों के साथ में आए तो वह तत्पुरुष सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे इसमें एक दे रखे, एक देख लेते हैं, इसी के रूप में पहला ही दे रखा है, अक्ष षोंडई, ठीक है। अक्ष षोंडई से तात्पर्य क्या है? अक्ष मतलब होता है द्यूत, जुआ। षोंडई का मतलब होता है चालाक, चतुर, होशियार, कुछ भी लगा लीजिए। इसमें जितने भी शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं वो मैंने देखे हैं, ज्यादातर चतुर, चालाक, निपुण, कुशल, इससे संबंधित ही हैं। तो जब भी इस तरह के शब्द के अर्थ निकले तो समझ लो इसी के अंतर्गत आएंगे वो। एक साधारण से तौर पर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। तो इसको अगर विग्रह किया जाएगा तो इसमें अक्ष और षोंड दो शब्द हैं, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, अक्षेषु षोंडई, बस इतना हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, अक्ष धूर्त, वही शब्द है धूर्त, एक तरह से चालाक, धूर्त, धूर्त किस्म, धूर्त रहना, चालाकी दिखाना, अक्षेषु धूर्तः, सप्तमी का प्रयोग करिए, सिद्ध प्रयोग। और बहुवचन का प्रयोग क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अक्ष होते हैं उसमें जो पासा, इसमें जो शब्द प्रयोग किया गया है वो पासे के लिए प्रयोग किया गया, तो पासे एक से अनेक प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया। जैसे कट प्रवीण है, कट प्रवीणा, तो इसमें कटे प्रवीणा, सप्तमी का प्रयोग, कटे प्रवीणा, ऐसे हो जाएगा। प्रवीण का मतलब हम जानते ही हैं बनाने में, वैसे प्रवीण शब्द अलग चले जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। आप प्रवीण का संबंध मानिए कि प्रवीण का मतलब चतुर। कट, कट से तात्पर्य क्या है? चटाई, चटाई को बनाने में चतुर, ठीक है। एक और उदाहरण लीजिए, गणित पंडिता, तो गणते पंडिता, सप्तमी का प्रयोग, यानी गणित में विद्वान। काव्य निपुण,
काव्य निपुणा, ईश्वरा धीनहा, ईश्वर के अधीन, ईश्वरे अधि, इस तरह से में प्रयोग हो जाएगा। अब ईश्वरे अधि अधि शब्द से वहां मत ले जाना, अभिभाव समास में यहां नहीं लगेगा और उसमें कोई प्रयोग ही नहीं हो रहा है, तो ईश्वराधीन इसी के अंतर्गत आएगा। इस तरह से सप्तमी इसमें प्रयोग करते ही आपने देखा ज्यादातर ये उससे संबंधित केवल एक ही अपवाद है जो अलग है, नहीं तो पंडित, धूर्त, शौंड, प्रवीण, निपुण ये सब चतुर चालाक के अर्थ में, कुशल के अर्थ में ही आ रहे हैं। तो आपको जब भी इस तरह से शब्द कोई मिले और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा हो तो सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाता है उसमें, ठीक है। और सप्तमी शौंड इसी सूत्र के द्वारा, ईश्वराधीन केवल अलग है, इसको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए दूसरा है, सिद्ध शुष्क पक्व वंधैश्च, ये मैं जो बीच में लगा देता हूं योजक चिन्ह वो मैं अपनी तरफ से लगाता हूं, ये सूत्र एक ही होते हैं जिससे कि आपको सही से समझ में आ जाए। तो सिद्ध शुष्क पक्व वंधैश्च ये चार शब्द लगा हुआ है, अर्थात इन शब्दों के साथ में भी सिद्ध शब्द हो, शुष्क शब्द हो, पक्व और वंद ये शब्द शब्द हो जब भी तो सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाता है, अर्थात सप्तमी सुबंत और ये जो शब्द हैं दोनों मिले हुए हों तो सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाता है, इनके साथ समास हो जाता है। जैसे इसी को ले लेते हैं, रसे सिद्धा, ये तो मैंने व्यग्रह कर दिया इसका, रस सिद्धा तो इसका विग्रह हो जाएगा रसे सिद्धा, है ना, रस में निपुण, किसी कार्य में करने में निपुण, रस को बनाने में निपुण, पारंगत, इस तरह से। सिद्ध का मतलब एक और होता है इसमें, जैसे प्रयाग सिद्धा या रस में बने हुए, इस तरह भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रयाग सिद्ध अर्थात प्रयाग में बने हुए, प्रयागे सिद्धा, सप्तमी तत्पुरुष का प्रयोग करेंगे इसमें, अर्थात सप्तमी विभक्ति सीधा सीधा प्रयोग हो जाएगा प्रयाग में, प्रयागे सिद्धा, प्रयाग में कोई चीज बनी हुई, प्रयाग में क्या चीज प्रसिद्ध है देखना होगा वो वहां में बताया जाता है। ऐसे पक्व, ये शब्द याद है आपको, ये सब शुष्क है, पक्व है, वंद है, ये सब कत् प्रत्यांत शब्द है, शुष्क आतप, शुष्क आतपे शुष्क यानी कि धूप में सूखा हुआ, है ना, क्योंकि ये कत् प्रत्यांत तो हुआ ही शब्द लगेगा, धूप में सूखा हुआ, पक्व स्थाली पक्व, तो स्थाली में पका हुआ, थाली में या बटलू ही, स्थाली जो शब्द है स्थाली थाली के लिए नहीं है, इस थाली का यहां तात्पर्य कुकर मान के चलिए आज के समय में, कुकर में पका हुआ, स्थाल्याम पक्वा, ठीक, बटलो ही इसको बोलते हैं, एक तरह से कुकर ही मान के चलिए, बटलो ही या कुकर एक ही बात है, उसको कौन सा और उदाहरण देखूं मैं, आप सोच के बताना, कमेंट में कर देना क्या हो सकता है। बंध चक्र बंध, तो इसमें क्या बन जाएगा, चक्रे बंध, किसी चक्र में बना हुआ, किसी के चक्कर में पड़ा हुआ, इस तरह से प्रयोग हो जाएगा। तो इन शब्दों के साथ में भी सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाता है, सप्तम्यांत सुबंत शब्द के साथ, इसकी परिभाषा अगर लगाएं तो ऐसे सप्तम्यांत सुबंत शब्द के साथ यदि सिद्ध शुष्क पक्व बंध ये शब्द आए तो सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाता है, ठीक है। चलिए
तीसरा है ध्वांग क्षीणे ध्वांग क्षीण क्षेपे। ध्वांग का मतलब होता है कौआ यानी काक, क्षेप का मतलब है निंदा। निंदा अर्थ में कौआ शब्द जब भी आ जाएगा तो उसमें सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। उदाहरण इसमें दे रखा है जैसे तीर्थ ध्वांक्ष, तो तीर्थ ध्वांक्ष तीर्थ में कौवे की तरह है, कैसे घूम रहे कैसे मंडरा रहे कौवे की तरह, इस तरह से बोला जाता तीर्थे ध्वांक्ष सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा इसमें, और इसमें सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा। इसका दूसरा उदाहरण भी वही है और आप उदाहरण इसमें देख सकते हैं क्योंकि ये विशेष रूप से शब्द उन्हीं के लिए प्रयोग किए गए हैं। तीर्थ ध्वांक्ष तीर्थ काक, तीर्थे का कहा। चौथा कृत्यैर ऋणे, कृत प्रत्यांत जो शब्द हैं वो ऋण अर्थ लिए हुए हों तो सप्तम्यांत शब्दों के साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होता है, ये इनका तात्पर्य है। कृत्य प्रत्यांत शब्द, अब कृत्य प्रत्यांत हमने शब्द जान लिए हैं इसलिए बोला दिए, हमने जान लिए जितने भी शब्द हम जान रहे हैं इसमें समास में, इसलिए समास सबसे अंत में पढ़ाए जाते हैं प्रत्यय प्रत्यय पढ़ाने के बाद, क्योंकि उनमें सब में समास प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो कृत प्रत्यांत शब्द जो हैं वो ऋण के अर्थ में होंगे, जैसे मास देयम, मासे देयम महीने में, मास देयम यानी महीने में अनिवार्य रूप से देने योग्य जो है ऋण, वैसे बोलो मास देयम, आपको एक महीने में ये रुपए दे रहे हो ले लो, लेकिन मास देयम है ये, अर्थात एक महीने में आपको वापस करने हैं, ये इसका तात्पर्य। संवत्सर देयम, संवत्सरे देयम, ठीक। तो इनको सीधे जब भी ये प्रयोग हो जाएंगे कृत प्रत्यांत शब्द तो उसमें जाकर के देख सकते हैं आप। और कृत प्रत्यांत में ये याद रखना थोड़ा, इसमें यत अचो यत एक सूत्र लगता है ना, यत प्रत्यय तक ही, यत प्रत्यय तक ही जो शब्द सूत्र बताए गए हैं और उनसे प्रयोग होने वाले जो प्रत्यय बताए कि वहीं तक ही सीमित है, आगे चले जाएंगे तो वहां पर ये प्रयोग नहीं होगा। चलो पांचवा है संज्ञायाम, संज्ञायाम मतलब जो शब्द हो अपने आप में संज्ञा बन जाए उसमें भी सप्तमी तत्पुरुष होता है, जैसे इसमें दे रखा है अरण्ये तिलकाह यानी जंगली तिल, अरण्ये तिलकाह पूरा शब्द कैसे बन गया संज्ञा, संज्ञा में प्रयोग हो गया पूरा। दूसरा है ऐसे ही एक और उदाहरण इसमें वने कशेरुका, और इसमें जो सप्तमी तत्पुरुष समास प्रयोग हुआ है लेकिन इसमें विभक्ति का लोप नहीं होता, तो विभक्ति का लोप इसलिए नहीं होता क्योंकि एक इसमें सूत्र लगता है, वो सूत्र है हलदंतात सप्तम्याः संज्ञायाम, ये सूत्र लगता है इसमें, इसके कारण इसमें सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं होता, ठीक है। चलिए एक अगला उदाहरण एक और सूत्र देख लेते हैं, कक्तेन अहोरात अवयवा,
ये बोल रहा है। कक्त प्रत्यांत शब्दों के साथ में दिन और रात के जो अवयव हैं वो दोनों हों, यानी दिन रात के अवयव कक्त प्रत्यांत शब्दों के साथ में मिले हुए हों तो सप्तमी तत्पुरुष समास होता है, ये इनका तात्पर्य है। कत्तेन, अकत्त प्रत्यांत शब्द और दिन और रात के अवयव, जैसे उदाहरण दिया इसमें पूर्वाहन कृतम, ठीक है। दूसरा उदाहरण दिया है, बहुत सारे उदाहरण है इसमें लेकिन मैं थोड़े से ले रहा हूं, अपर रात्र कृतम, तो इसमें बोल सकते हैं पूर्वाहने कृतम अपर रात्रे कृतम, मतलब पूर्वाहन मतलब दोपहर से पहले किए जाने योग्य अर्थात किए जाने वाला, ये इसका तात्पर्य है। ऐसे ही अपर रात्रम आधी रात्र के बाद में किए जाने वाला जो भी कार्य है, तो इसलिए इन दोनों प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें सप्तमी का यहां प्रयोग होगा और सप्तमी का रात्रि में, ठीक है। सातवां है, केवल तत्र शब्द प्रयोग किया गया है। अब तत्र सूत्र जो बनाया गया है इसका तात्पर्य है कि तत्र शब्द के साथ में जब भी कोई शब्द आ जाएगा उसमें सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे इसमें दिया है तत्र भुक्तम, ठीक है, तत्र पीतम। अब इसका विग्रह हम करेंगे तो उसका कोई भी भुक्तम मतलब नहीं है, क्योंकि तत्र और तत्र ये अव्यय है और अव्यय के रूप एक जैसे ही रहते हैं, किसी भी रूप में चला लीजिए आप, ठीक। एक और है इसमें खेपे, खेपे हमने यहां पे भी देखा और खेपे एक यहां पे भी है, वो खेपे ध्वांस के रूप में आया था, कौवे के रूप में, कौवा का जब भी निंदा अर्थ होगा तो उसमें प्रयोग होगा खेपे। यहां निंदक अर्थ में जब भी कोई शब्द प्रयोग किया जाएगा तो उसमें अवतप्त अवतप्ते नकुल, स्थितम, ठीक है। एक और उदाहरण है इसमें दूसरा प्रवाहे मूत्रम, अवतप्ते नकुल स्थितम, अवतप्ते यहां सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, प्रवाहे यहां सप्तमी विभक्ति, यहां भी सप्तमी विभक्ति को लुक नहीं किया गया है अर्थात ही लुप्त नहीं किया गया है, जो कि तो दिखा दिए। तो इसका अवतप्ते नकुल स्थितम का मतलब क्या है, अवतप्ते अवतप्त जब जमीन तप जाती है उस स्थिति में, नकुल मतलब नेवला, नेवला की वो स्थिति जो होती है वैसी स्थिति वाला, आपकी कैसी हो रही है स्थिति, जब कोई किसी चीज में घबराहट पैदा हो जाती है या चंचलता पैदा हो जाती है किसी चीज में, तो उसको उदाहरण दिया जाता है अवतप्ते नकुल स्थितम, तुम्हारी स्थिति गर्म हुए जमीन पर नेवले के समान चंचल हो गई है, इतना बड़ा अर्थ है इसका। अर्थात नेवला जो होता है जब जमीन गर्म हो जाती है तो इधर उधर भागता है, बहुत चंचलता दिखाता है, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो अपनी स्थिति में चंचलता पैदा कर लेते हैं, तो उसमें यहाँ उसको शब्द से प्रेरित किया जाता है, मतलब निंदित किया जाता है कि तुम्हारी स्थिति अवतप्ते नकुल स्थितम हो गई है। प्रवाही मूत्रम, प्रवाही मूत्रम से तात्पर्य क्या है, प्रवाही मूत्रम से तात्पर्य है जल जो प्रवाहमान है, प्रवाहमान जल से मतलब क्या होता है, स्वच्छ जल, और स्वच्छ जल में यदि कोई मूत्र प्रवाहित कर दे, मूत्र विसर्जित कर दे तो वो कैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो प्रवाहे मूत्रम अर्थात कोई भी जो स्वच्छ था उसको गंदा कर दिया, मतलब कोई भी कार्य बिगाड़ दिया, इसका तात्पर्य है। तुम कैसे हो, तुम तो हमेशा प्रवाहे मूत्रम हो, यानी काम बिगाड़ने वाले ही हो,
ये इसका तात्पर्य। इसलिए छे पे निंदा के अर्थ में प्रयोग हुए हैं दोनों, ठीक है। एक और है इसमें, उसे और देख लेते हैं। इसमें जो सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं हुआ है वो सूत्र है तत्पुरुषे कृति बहुलम। तत्पुरुषे कृति बहुलम, तत्पुरुष के अर्थ में कृत प्रत्यांत जो शब्द होते हैं उनमें बहुलता से विकल्प से लोप नहीं होता विभक्तियों का, ठीक है, ये इसका मतलब है। नवा है पात्रे समितादयश्च, पात्र समिता भी सौंडई की तरह एक गण है। तो इसमें सौंडई में तो 10 से 12 ही आते हैं, करीब 12 15 के करीब, इसमें तो बहुत ज्यादा शब्द आते हैं तो उनको बताना संभव नहीं है। दो चार शब्द बता देता हूं मैं आपको, जैसे पहला ही है इसमें पात्र समिता, समिता या सम्मिता, कहीं कहीं सम्मिता भी मिलता है। सम्मिता शब्द को कुछ उच्च कोटि के विद्वानों ने सही नहीं माना है, पात्र समिता को ही सही माना है, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों दर्शा दिए हैं जिससे आपको भ्रम ना हो। पात्र समिता का मतलब होता है कुछ लोग जो होते हैं वो खाने के समय में आ जाते हैं, काम के समय में नहीं आते, तो उन्होंने उनके लिए प्रयोग किया गया है पात्र समिता। तुम तो केवल पात्र समिता ही हो, खाते समय आ जाते हो, कार के समय भाग जाते हो। दूसरा है गेहे शूरहा, इसी का मतलब है ये, यानी कि गेहे, गेहे मतलब घर, घर में ही शेर हो, कहते ना घर में ही घर के शेर हो तुम, बाहर के नहीं, युद्ध नहीं। इसमें युद्ध शब्द प्रयोग किया गया, अब युद्ध कहां तो बाहर का शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसे एक और उदाहरण है इसमें गोष्ठे पंडिता, गोष्ठे पंडिता का तात्पर्य क्या है, जो ग्वाले हैं ग्वालों में ही तुम विद्वान हो, अर्थात और कहीं तुम्हारी विद्वता कार्य नहीं करती, इसका तात्पर्य वैसे मूर्ख से लिया गया है। ये कैसे है गोष्ठे पंडिता, केवल ग्वालों में ही विद्वान अर्थात मूर्ख। ऐसे करके इसमें बहुत सारे शब्द हैं, उनमें आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक सिद्धि बता देता हूं, एक शब्द ले लेते हैं आतप शुष्का, यही तो था इसका लौकिक विग्रह क्या होगा, आतपे शुष्का, ठीक है, और अलौकिक विग्रह आतप सिंगे शुष्क सूं। ये क्यों लगा, क्योंकि सप्तमी विभक्ति में स्व उजस वाला ये ही प्रत्यय होता है, ये बन गया। तो इसमें जो सूत्र बने, जो सूत्र हमने कौन सा देखा था, सिद्ध शुष्क पक्व वंधैश्च सूत्र के द्वारा इसमें समास हो जाएगा। पहले स्थान पर बोल के लिख रहा हूं मैं, दूसरे स्थान पर कृत तद्धि समासाश्रय की समास प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, सुपो तीसरा सुपो धातु प्रातिपदिकयों से इसमें दोनों में इनका लोप हो जाएगा, हमारे पास बनेगा ये आतप शुष्क, ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद में प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम संज्ञा हो जाएगी इसकी, उपसर्जन संज्ञा आतप की, और दूसरा उपसर्जने पूर्वम, बनने के बाद में यही स्थिति रहेगी। फिर जो सूत्र लगेगा वो सूत्र लगेगा एक देश विकृत मनन्यवत वाला, जिससे इसकी ज्यों की त्यों प्रातपद संज्ञा अक्षुण बनी रहेगी। उसके बाद में स्व उजस वाला सूत्र लगेगा, स्व उजस सूत्र लगने के बाद ये बन जाएगा आतप शुष्क सू, ठीक है। जैसे ये लगेगा हम जानते हैं उपदेश अजरनास का इत से इत हो जाएगा, तस्लोपास लोप हो जाएगा, और अदर्शन लोपा से उसका अदर्श हो जाएगा, तो बन जाएगा ये आतप शुष्क स।
फिर बन जाएगा ये सा सा जुसो रू, और फिर उसमें सूत्र लग जाएंगे रू सा का रू बनने पर रू उपदेश अजनास का एत तस्लोपा और अदर्शनम लोपा, ये सूत्र लगने के बाद ये रा बन जाएगा। ठीक है, तो बन गया हमारे पास आतप शुष्क र। जैसे ही ये रा बनेगा खरवसान विसर्जनीय से इसका रा का विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग होते ही बन जाएगा ये आतप शुष्का। अब उम्मीद है कि आपको सिद्धियों में कोई समस्या नहीं आ रही होगी, सब ऐसी सिद्धि होती है, एक दो सूत्रों का फर्क पड़ता है। जिनमें सप्तमी का लोप नहीं हुआ है उसमें वो मैंने दो सूत्र थे वो बताई दिए थे आपको, उनके द्वारा उनका प्रयोग कर देंगे तो वो जो भी तो प्रयोग हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।